चलिए हम चलते हैं क्लास सिक्स के साइंस की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है फूड ईटन बाई एनिमल्स। एनिमल्स किस प्रकार का भोजन करते हैं या एनिमल्स के द्वारा कौन सा फूड खाया जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू रिमेन अलाइव। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें जीवित रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। डू यू नो हाउ लिविंग थिंग्स गेट फूड। क्या आपको पता है लिविंग थिंग्स को भोजन कैसे प्राप्त होता है, उन्हें भोजन कैसे मिलता है। मोस्ट प्लांट्स कैन प्रिपेयर दियर ओन फूड। बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑन द अदर हैंड कैन नॉट। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो प्लांट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं। दे आइदर ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स या तो प्लांट्स खाते हैं या फिर अदर एनिमल्स को खाते हैं एज अ फूड। हैव यू सीन एनिमल्स लाइक अ काऊ और बफेलो। क्या आपने एनिमल्स को देखा है जैसे कि काऊ और बफेलो, क्या इस तरह के एनिमल्स को आपने देखा है। कैट को देखा है, डॉग को देखा है, क्रो, स्क्वायरल, गोट, लिजार्ड एंड लायन ईटिंग फूड्स। क्या आपने इन सब एनिमल्स को देखा है। ये सभी एनिमल्स दे ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ये जितने भी एनिमल्स हैं ये अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं या करते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4 में। देखिए यहाँ काऊ है, एलिफेंट है, ये हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। लियोपार्ड लॉयन है, ये कार्निवोर एनिमल्स होते हैं। कॉकरोच एंड क्रो हैं, ओमनीवोरस एनिमल्स होते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं एक्टिविटी 1.3 में। टू फाइंड आउट द फूड ईटन बाई डिफरेंट एनिमल्स। ये एक्टिविटी हम इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि अलग अलग प्रकार के एनिमल्स किस प्रकार का भोजन खाते हैं। कंप्लीट द टेबल टू शो द फूड ईटन बाई 15 डिफरेंट एनिमल्स गिवन बिलो। नीचे का जो टेबल है उसे कंप्लीट करिए, ये शो करने के लिए कि जो अलग अलग 15 डिफरेंट एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरह का भोजन करते हैं या किस प्रकार का भोजन करते हैं वो हम देखते हैं आगे चल के। ठीक है, एनिमल काऊ और बफेलो। फूड ईटन कौन सा फूड खाती हैं काऊ और बफेलो। ग्रास, लेग्यूम्स, स्ट्रॉ। ओके, हॉर्स ग्रास एंड हे, गोट हे, लायन और टाइगर मीट। हे क्या होता है चे भाई, हे जो है वो कट एंड ड्राइड ग्रास होती है। ठीक है, कैट माइस, डॉग मीट, एडिबल बोन्स, वेजिटेबल्स। मीट खाता है डॉग, एडिबल बोन्स यानी खाने योग्य जो बोन्स होती हैं उससे खाते हैं। वेजिटेबल्स भी खाता है डॉग, ब्रेड भी खाता है डॉग, कई बार फ्रूट्स भी खाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रो। क्रो जो है इंसेक्ट्स, एग्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड रेप्टाइल्स, इन सबको क्रो एज अ फूड लेता है। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो प्लांट्स खाती है, प्लांट्स में जैसे फंगी, सीड्स, नट्स, उसके अलावा एग्स, स्मॉल इंसेक्ट्स को फूड के रूप में स्क्वायर लेती है। नेक्स्ट है आपका लिजार्ड। लिजार्ड क्या खाता है, इंसेक्ट्स, स्मॉल एनिमल्स एंड फ्रूट्स। ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं एंड मीट एंड एग्स लेते हैं एज ए फूड के रूप में। नेक्स्ट है आपका कॉकरोच। कॉकरोच क्या लेता है एज ए फूड, कॉकरोच एज ए फूड मीट लेता है, स्टार्चेस में जैसे आपकी ब्रेड हो गई, स्वीट्स लेता है। बटरफ्लाई जो फ्लावर में नेक्टर होता है, तो जो बटरफ्लाई है वो फ्लावर से नेक्टर को ड्रिंक करता है और वही एज अ फूड के रूप में लेता है। नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट जो है वो ग्रास, स्मॉल प्लांट एंड फ्रूट्स को खाते हैं। डियर ग्रास एंड लीव्स को खाते हैं। स्पाइडर इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, ये 15 एनिमल्स थे और वो जो फूड खाते हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। आप जरा ध्यान से अगर देखें तो काऊ ग्रास, लेग्यूम्स एंड स्ट्रॉ खा रही है, तो ये सब वेजिटेरियन हैं। तो काऊ किस कैटेगरी में आ रही है, हर्बीवोर में। हॉर्स ग्रास एंड हे खा रहा है, वो किस कैटेगरी में आता है, हर्बीवोर में। गोट किस क्या खा रहा है, हे का मतलब होता है कट एंड ड्राई ग्रास, तो गोट भी आपकी हर्बीवोर में आ रही है। लेकिन लायन क्या खाता है, लायन और टाइगर मीट खाता है, मीट जो अदर एनिमल्स होते हैं उनको मार कर उनका मीट खाता है। तो एंड लायन किस कैटेगरी में आ रहा है, कार्निवोर्स में। ठीक है, कैट माइस खाती है, चूहा, उसके अलावा और छोटे छोटे जो भी माइस वगैरह जो भी सब खाती है, तो मतलब वो भी एक तरह से कार्निवोर में ही आती है। डॉग मीट,
एडिबल बोन्स एंड वेजिटेबल्स। जो डॉग है वो मीट खाता, डॉग मीट खाता है, एडिबल बोन्स खाता है एंड वेजिटेबल्स खाता है। देखिए कैट जो है वो जो पालतू बिल्लियाँ होती हैं वो कई बार दूध भी पीती हैं, सब भी खा लेती हैं, लेकिन मेन वो जो है मीट वगैरह ही खाती हैं। तो मेन उनको हम कार्निवोर की कैटेगरी में ही डालेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको मैंने सबके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया है कौन क्या क्या खाते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं आगे, बेस्ड ऑन द फूड ईटन एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स और कैटेगरीज। जो ऊपर हमने मतलब एनिमल्स जो भोजन खाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने एनिमल्स को तीन कैटेगरीज में बांटा है, तीन ग्रुप में बांटा है, ठीक है। पहला है हर्बीवोर्स, सेकंड है कार्निवोर्स एंड थर्ड है ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स और हर्बीवोरस एनिमल्स, हर्बी मीन्स प्लांट होता है, वोर मीन्स ईटर होता है। प्लांट मीन्स आपको पता है पौधे, पेड़ पौधे, ईटर मीन्स खाने वाला। तो जो आपके हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं, और जो आपके काऊ, बफेलो, हॉर्स, डियर, गोट एंड एलिफेंट हैं वो सब हर्बीवोर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्निवोर्स और कार्निवोर्स एनिमल। कार्नी मीन्स होता है मीट, वोर मीन्स ईटर, ठीक है। तो कार्निवोर्स एनिमल्स जो होते हैं वो अदर एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लॉयन, टाइगर, डॉग एंड जैकल आर कार्निवोर्स। ओके, नेक्स्ट है आपका ओमनीवोर्स और ओमनीवोरस एनिमल्स। ओमनी मीन्स ऑल, वोर मीन्स ईटर यानी खाने वाला। ओमनीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जैसे क्रो, कॉकरोच एंड स्क्वायरल आर ओमनीवोरस, ये सब ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है। डॉग को यहाँ पे डॉग को इस कैटेगरी में सिर्फ कार्निवोर्स दिया हुआ है, बट जो डॉग होते हैं वो कई बार वेजिटेबल्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी, ब्रेड वगैरह भी खाते हैं, तो वो जहाँ तक ओमनीवोरस की ही कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो आप ये मत कंफ्यूज हो जाइए कि कार्निवोर में डॉग दिया हुआ है, डॉग जहाँ तक ओमनीवोरस, डॉग ओमनीवोरस होते हैं क्योंकि ब्रेड भी खाते हैं वो, मिल्क भी पीते हैं, कई बार घर में वेजिटेबल्स वगैरह जो होती हैं वो भी खाते हैं, बिस्किट्स भी खाते हैं, तो डॉग को हम ओमनीवोरस की कैटेगरी में डालेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं पेज नंबर 5 में। नेक्स्ट अब हम आते हैं पेज नंबर 5 में। टू क्लासीफाई द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दे ईट। क्लासीफाई करना है हमको एनिमल्स को जो वो फूड खाते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव स्टडीड अबाउट द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, क्लासीफाई द एनिमल्स गिवन इन टेबल इन एक्टिविटी 1.3 एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। मीन्स आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म की 1.3 में, ठीक है, उसमें आपने और आपने जो पढ़ा है पहले उसके अकॉर्डिंग आपको जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं जो आपने टेबल उसमें देखा है कि क्या फूड खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसको उनको कैटेगराइज करना है हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर्स में, और नीचे दिए गए टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। यू मे फाइंड आउट एंड ऐड द नेम्स ऑफ सम अदर एनिमल्स। आप फाइंड भी कर सकते हैं दूसरे एनिमल्स के नेम को और उसे भी इसमें लिख सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं इस टेबल में। परफॉर्म द एक्टिविटी इन ग्रुप्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स ईच। आपको ये एक्टिविटी 3 स्टूडेंट्स ईच के ग्रुप में परफॉर्म करनी है, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अभी मैं ही आपको यहाँ एग्जाम्पल के रूप में समझा रही हूँ। फिर जब आपकी नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट होंगी तब हम ग्रुप में एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट है आपका हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। काउ, हॉर्स, गोट, बटरफ्लाई, एलिफेंट एंड डियर, ये सारे एनिमल्स हर्बीवोर्स होते हैं। लॉयन, कैट, स्पाइडर, ये कार्निवोर्स होते हैं। डॉग, क्रो, स्क्वायरल, लिजार्ड, ह्यूमन बींग्स एंड कॉकरोच, ये आपके ओमनीवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया जो मैंने अभी बताया आपको? आपको जो ना समझ में आया आप मुझसे डाउट क्लास में फिर बाद में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके आंसर ओरली। डिफाइन द फॉलोइंग, फूड क्या होता है हर्बी, मैंने आपको बताया है अभी। द मटेरियल और द सब्सटेंस विच वी ईट, मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना, वो मटेरियल या वो सब्सटेंस जिसे हम खाते हैं वो कहलाता है फूड, ठीक है।
फूड इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ फूड इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। फूड इंग्रेडिएंट्स वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम फूड को प्रिपेयर करते बनाते हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ईट करते हैं प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स को। कार्निवोर्स क्या होते हैं? कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं। ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सब कुछ खाते हैं, प्लांट भी, प्लांट प्रोडक्ट्स भी एंड मीट भी। ओके, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। आपको दो एग्जांपल बताने हैं हर्बीवोर्स के, कार्निवोर्स के एंड ओमनीवोर्स के। हर्बीवोर्स में आपका काऊ एंड हॉर्स आ गए, कार्निवोर में लायन स्पाइडर आ गए, टाइगर भी आ गया, ओमनीवोर्स में आपके क्रो एंड स्क्वायरल हो गए। नेक्स्ट आता है आपका सोर्सेज ऑफ फूड। ये क्वेश्चंस आपको कॉपी में नहीं लिखने हैं नोटबुक में, ये सिर्फ आंसर ओरली बताने हैं आपको। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं सोर्सेज ऑफ फूड में। फूड के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं वो हमें अब देखने हैं, ठीक है। फूड इज ऑब्टेन बाय लिविंग थिंग्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड जो है ऑब्टेन किया जाता है किनके द्वारा? लिविंग थिंग्स के द्वारा, फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के जरिए। मतलब फूड को हम ऑब्टेन करते हैं लिविंग थिंग्स के द्वारा, फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के जरिए, प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड। अब हम देखते हैं प्लांट्स जो है वो सोर्स ऑफ फूड कैसे होता है, ठीक है। यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्या आपको पता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। फॉर दिस रीजन दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। इस रीजन की वजह से हम ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब उत्पन्न करने वाला, ठीक है। दे प्रिपेयर मोर फूड देन वॉट दे नीड themselves। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन उनको जितनी ज़रूरत होती है फूड की वो उससे ज़्यादा बनाते हैं, मतलब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा भोजन बनाते हैं, ठीक है। दिस एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ये जो एक्स्ट्रा फूड होता है ये प्लांट की बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं पेज नंबर 6 में। डिफरेंट प्लांट पार्ट्स फ्रॉम विच फूड इज ऑब्टेन्ड आर द रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट। डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स जो होते हैं जिनसे हमें फूड ऑब्टेन होता है या मिलता है, प्राप्त होता है या हम लेते हैं, वो कहलाते हैं रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट। रूट मतलब जड़, स्टेम मतलब तना, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, फ्लावर्स मीन्स फूल, सीड्स एंड फ्रूट। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं, डू यू नो विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर यू ईटिंग व्हेन यू ईट पोटैटो, कैबेज, ऑनियन, रेडिश, कैरेट और मैंगो। क्या आपको पता है कि आप प्लांट के कौन से पार्ट को खाते हैं जब आप ईट करते हैं पोटैटो, कैबेज, ऑनियन, रेडिश, कैरेट और मैंगो। द प्लांट पार्ट्स विच आर ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। वो पार्ट प्लांट के जिसे हम खाते हैं वो कहलाते हैं एडिबल पार्ट्स। एडिबल पार्ट्स मतलब खाने योग्य पार्ट्स जिसे हम खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एडिबल पार्ट इन अ मैंगो इज द फ्रूट, इन ऑनियन एंड पोटैटो। मीन्स एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जो एडिबल पार्ट होता है मैंगो में वो फ्रूट होता है, और इन ऑनियन में एंड पोटैटो में स्टेम होती है, वाइल इन रेडिश एंड कैरेट इट इज़ द रूट। वाइल इन या फिर मतलब रेडिश एंड कैरेट में रूट होती है, एंड लीफ इज द एडिबल पार्ट इन कैबेज। जो कैबेज है उसमें एडिबल पार्ट लीफ होती है। मीन्स इस पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि जो प्लांट पार्ट्स होते हैं जिसे हम खाते हैं उसे एडिबल पार्ट्स बोलते हैं, मीन्स खाने योग्य बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम मैंगो का, मैंगो में हम फ्रूट को खाते हैं, ऑनियन एंड पोटैटो में उसके स्टेम खाते हैं, रेडिश एंड कैरेट के प्लांट में ऑनियन एंड पोटैटो में हम स्टेम खाते हैं, रेडिश एंड कैरेट में हम रूट खाते हैं, एंड कैबेज में हम लीफ खाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैंगो प्लांट का जो एडिबल पार्ट फ्रूट होता है, ऑनियन एंड पोटैटो का एडिबल पार्ट स्टेम है, रेडिश एंड कैरेट का एडिबल पार्ट रूट है, एंड कैबेज का एडिबल पार्ट लीफ है। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं फूड आइटम्स ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स। वो फूड आइटम्स जो हम प्लांट्स से ऑब्टेन करते हैं, फर्स्ट है सीरियल्स, वाइट वीट, राइस, मेज। सेकेंड है पल्सेस, पी, बीन, सोयाबीन, ग्राम, ग्राउंडनट।
थर्ड है वेजिटेबल्स, कैरेट, रेडिश, पोटैटो, ऑनियन, स्पिनच, कैबेज, टोमेटो। फोर्थ है आपका फ्रूट, बनाना, एप्पल, मैंगो, ग्रेप, ऑरेंज, पाइनएप्पल। फिफ्थ है आपका शुगर, शुगर केन। सिक्स्थ है आपका ऑयल, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, सोयाबीन, कॉटन सीड, सनफ्लावर। नेक्स्ट है आपका स्पाइसेस है, टर्मरिक, चिली, जिंजर, सौंफ और फेनल, इलायची और कार्डमम। ये सारे फूड आइटम्स हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं। जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उसे आप घर में एक बार रीड करिएगा, और कुछ ना बने तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। ओके।